अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक क्विक रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है प्याज़ और अंडों की। जब झटपट कुछ बनाना हो ना तो फिर इससे बेस्ट रेसिपी कोई भी नहीं है। चलिए जी से स्टार्ट करते हैं। पैन में ऑयल लेंगे, प्याज को छोटा छोटा कट करेंगे, अनियंस को आपने रफली चॉप कर लेना है और घी के साथ इसे कुक करना है। जब तक हमारे जो प्याज हैं वो हल्के से जो है फ्राई नहीं हो जाते हैं, जमीन वाइज जो है वो हमने काटनी है। इस तरह की सभी मिर्ची इस फॉर्म में आप काट लें। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेंगे 3 अंडे। ये देखिए प्याज काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और इनमें हल्का सा कलर जो है वो भी आना शुरू हो गया। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे ये मिर्चें ताकि ये भी इसमें अच्छे से कुक हो जाए। ये देखें, ये है मेरे पास ज़ीरा ऐड कर देंगे हम इसमें ताकि अच्छे से जो है वो ज़ीरे की भुनाई भी हो जाए। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ये देखें मैंने इसमें ऐड किया नमक। आप देखें प्याज़ों का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। ये देखें मैंने चूल्हे से उतारा इसे और इसमें अंडे ऐड कर दिए हैं। अब इसे दोबारा हम जो है वो फ्लेम पर रखेंगे, फ्लेम ऑन करके और इनको अच्छी तरह से जो है वो बनाएंगे। आपने देखा होगा मैंने नमक इसमें कम डाला है बिकॉज़ इसमें दोबारा जो है ना जब ये पकना है तो ये बहुत थोड़ा रह जाएगा। तो आपने भी इसी तरह से देखना है कि जब हम इनिशियली प्याज बनाएंगे तो उस हिसाब से आप नमक मत ऐड कीजिएगा। एंड पे आके जब आपको पता लगे कि आप सालन की जो मकदार है वो इतनी है फिर आपने नमक ऐड करना है। इसमें एक और चीज़ जाएगी वो है काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च जो है वो मैं थोड़ी डालूंगी, काली मिर्च इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। काली मिर्च ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, कुटी हुई मिर्च भी मैंने डाल दी आपके सामने और काली मिर्च भी डाल दी। अब हमने बस इसे इतना पकाना है कि अंडों का जो कच्चापन है वो इसका ख़त्म हो जाए। ये देखें मज़ेदार प्याज और अंडे जो हैं वो आपके रेडी हो गए हैं। इन्हें आप डिश आउट करेंगे, कभी ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी हमारी लोकल रेसिपी है और ये बहुत टेस्टी बनती है। और ये देखें ये हमारी फाइनल रेसिपी की लुक तैयार हो गई है, बहुत झटपट क्विक। जब आपके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ अंडे और प्याज घर में पड़े हुए हैं तो आप इसे बना सकते हैं। और आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्यार मोहब्बत के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बिकॉज आपकी सपोर्ट ही है जो मुझे इतना हौसला देती है कि मैं अपने टाइम में से टाइम निकालूं और आपके लिए ये जो रेसिपीज़ हैं ये शेयर करूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।